पाकिस्तान में रह रही भारतीय मूक बधिर महिला गीता आज भारत लौट रही है। गीता कराची से भारतीय समय के मुताबिक सुबह करीब 8:30 बजे PIA के विमान से दिल्ली के लिए रवाना हो चुकी है। सुबह 10:20 पर वो दिल्ली पहुंचेगी। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पाकिस्तान उच्चायोग के वरिष्ठ अधिकारी गीता की अगवानी करेंगे। 23 साल की गीता के साथ एडी फाउंडेशन के 5 लोग दिल्ली आ रहे हैं। गीता के लौटने के बाद विदेश मंत्री सुषमा स्वराज दोपहर 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। गीता करीब 15 साल पहले सीमा पार करके पाकिस्तान चली गई थी। पाकिस्तान रेंजर्स के जवानों को लाहौर रेलवे स्टेशन पर समझौता एक्सप्रेस में गीता अकेली बैठी मिली थी। इसके बाद उसे एडी फाउंडेशन को सौंप दिया गया था। तब से वो एडी परिवार के साथ थी। एडी परिवार तब तक नई दिल्ली में ही रहेगा जब तक भारतीय अधिकारी गीता की DNA जाँच पूरी नहीं कर लेते। खुद को गीता का पिता बताने वाले बिहार के सहरसा के रहने वाले जनार्दन महतो भी अपनी बेटी से मिलने के लिए दिल्ली पहुंच चुके हैं। महतो परिवार दिल्ली के बिहार भवन में टिका हुआ है। अधिकारियों के मुताबिक महतो परिवार को गीता तभी सौंपी जाएगी जब DNA टेस्ट से साबित हो जाएगा कि गीता जनार्दन महतो की ही बेटी है। गाँव जो है ना ग्रामीण कबीरा धाम का, वो भी बहुत खुशहाली गान बजान सब कर रहा है, बहुत आनंद से ये कब आवे। मैं भी वहां से मरते दम पर भी आए हैं। अगर गीता के DNA का मिलान महतो परिवार से नहीं हुआ तो गीता को सुरक्षित आश्रम में रखा जाएगा। गौरतलब है कि गीता ने इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग से भेजी गई एक तस्वीर में अपने पिता, सौतेली माँ और भाई बहनों की पहचान की थी। आज से दिल्ली में 4 दिनों का भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन शुरू हो रहा है। 54 अफ्रीकी देशों के राष्ट्राध्यक्ष इस सम्मेलन में शिरकत करेंगे। ये 3रा भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन है। 2008 में हुए पहले सम्मेलन में सिर्फ 15 देशों ने शिरकत की थी। 1983 में नाम और चोगम समिट के बाद भारत में ये सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है। सम्मेलन इंदिरा गांधी स्टेडियम में होगा। भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन के लिए सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं। एयरपोर्ट के रास्ते से लेकर 9 5 सितारा होटलों और IGI स्टेडियम तक चाक चौबंद सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। सम्मेलन की 24 घंटे सुरक्षा के लिए 2 हेलीकॉप्टर तैनात किए जाएंगे। संयुक्त पुलिस आयुक्त TS लूथरा के मुताबिक 100 से ज्यादा इमारतों पर 185 स्नाइपर्स तैनात होंगे। होटलों और स्टेडियम में 5 स्तर का सुरक्षा घेरा होगा। सम्मेलन स्थल पर करीब 200 CCTV कैमरे लगाए गए हैं। भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर रहने वाली गरिमा गुप्ता को कल नई दिल्ली में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज अवार्ड देकर सम्मानित करेंगे। मुजफ्फरनगर में नई मंडी के मोहल्ला पटेल नगर निवासी कक्षा 7वीं की 12 वर्षीय छात्रा गरिमा गुप्ता की लिखी हुई किताब का जिक्र रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में भी किया था। भारत अफ्रीका फोरम सम्मेलन की तरफ से करीब 1600 CBSE स्कूलों में प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। दिल्ली के मटियाला विधानसभा क्षेत्र के घुमन हेरा गांव में किसानों की सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नफरत की राजनीति को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला। केजरीवाल ने कहा कि सिर्फ खाने के आधार पर किसी की जान ले लेना ठीक नहीं है। उन्होंने दिल्ली के वैट कमिश्नर के तबादले और महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर भी केंद्र पर हमला बोला। MCD के सफाई कर्मचारियों की हड़ताल खत्म हो गई है। कल दिल्ली सरकार के मंत्री संदीप कुमार के साथ बातचीत के बाद सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल वापस लेने का फैसला लिया। सफाई कर्मियों से बातचीत में दिल्ली सरकार ने MCD को 1100 करोड़ रुपए देने का भरोसा दिया है। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री वी के सिंह के खिलाफ आम आदमी पार्टी के नेताओं ने विरोध मार्च निकाला। दादरी मामले में वी के सिंह के बयान के खिलाफ मार्च का आयोजन किया गया। सिंह को दलित विरोधी बताते हुए आम आदमी पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्हें बर्खास्त करने की मांग की है। पूर्वी दिल्ली के कृष्णानगर में शराब के ठेके के खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में कृष्णानगर की पार्षद ने भी हिस्सा लिया। इलाके में शराब का एक ठेका खुलने वाला है, लेकिन महिलाओं का कहना है कि जिस जगह ठेका खुल रहा है वहां पास में ही स्कूल है और इससे बच्चों पर बुरा असर पड़ेगा। दिल्ली के मॉडल टाउन इलाके के टैगोर पार्क में हथियारों से लैस 7 लुटेरों ने घर के 5 लोगों को बंधक बनाकर जमकर लूटपाट की। ऊपरी मंजिल पर रह रहे लोगों को शक हुआ तो उन्होंने पुलिस को फोन कर दिया, लेकिन पुलिस की आहट सुनकर लुटेरे दीवार फांदकर फरार हो गए। भागते वक्त लुटेरों ने घर के मुखिया अशोक अरोड़ा से हाथ जोड़कर माफी भी मांगी। दक्षिण पूर्वी दिल्ली के तुगलकाबाद इलाके में सड़क किनारे एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक के शरीर पर गहरी चोटों के निशान हैं। शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है।
दिल्ली में इंसानी संवेदनहीनता का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। हरियाणा की चरखी दादरी में काम करने वाले गंभीर रूप से डेंगू से पीड़ित एक मजदूर परिवार को उसके मालिक ने हरियाणा रोडवेज की बस में बिठाकर दिल्ली रवाना कर दिया। बताया जाता है कि परिवार के एक 18 साल के युवक की बस में ही मौत हो गई। इसके बाद बस वाला बाकी लोगों को सड़क पर लावारिस उतार कर रफू चक्कर हो गया। एक एनजीओ ने इन सभी को भगवान महावीर अस्पताल में भर्ती कराया है। रानीबाग पुलिस मामले की जांच कर रही है। दिल्ली के शाहीनबाग इलाके में एक महिला ने दिलेरी दिखाते हुए दो झपटमार महिलाओं को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। घटना शनिवार की है। हाजरा ऑटो से उतरकर अपने घर जा रही थी, तभी आरोपी महिलाओं ने उसके पर्स झपट लिए। हाजरा ने दोनों को पकड़कर स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस के हवाले कर दिया। मुंबई के डोमेस्टिक एयरपोर्ट के पास हुई 2.5 करोड़ के सोने की लूट के मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि मुख्य आरोपी अभी भी फरार है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के पास से 2.10 करोड़ रुपए का सोना बरामद कर लिया है। आरोप है कि इन बदमाशों ने खुद को क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताकर एक कुरियर बॉय से 2.5 करोड़ के सोने के बिस्किट और गहने लूट लिए थे। 10 दिन पहले कुर्ला के होटल सिटी किनारा में सिलेंडर ब्लास्ट में 8 छात्रों की मौत को लेकर कैंडल मार्च का आयोजन किया गया। लोगों ने मृतक छात्रों को श्रद्धांजलि दी और बीएमसी पर लापरवाही का आरोप लगाया। ठाणे पुलिस ने एमआईएम के नेता अकबरुद्दीन ओवैसी के 3 नवंबर तक शहर में आने पर रोक लगा दी है। ओवैसी पर यह कार्रवाई एमआईएम के एक पदाधिकारी जावेद डॉन के मोबाइल वीडियो की वजह से की गई है। इस वीडियो में जावेद कल्याण डोंबिवली चुनाव में स्थानीय उम्मीदवार शकीला बानो खान के लिए याकूब मेमन के नाम से वोट मांगते हुए दिख रहे हैं। कल्याण डोंबिवली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन चुनाव के प्रचार के दौरान राज ठाकरे ने शिवसेना पर जमकर निशाना साधा। राज ठाकरे ने कहा कि ये सिर्फ बीजेपी को छोड़ने की धमकी देते हैं, लेकिन छोड़ने की हिम्मत इनमें नहीं है। अगर शिवसेना ने बीजेपी को छोड़ा तो इनके सभी विधायक और सांसद इनको छोड़ देंगे। जम्मू के कठुआ और सांबा सेक्टर में पाकिस्तानी रेंजरों ने फिर युद्ध विराम का उल्लंघन किया है। इंटरनेशनल बॉर्डर पर पाक रेंजरों ने शाम 7 बजे से करीब 15 बॉर्डर आउटपोस्ट पर लगातार हमला किया। इससे पहले सीमा पार से शनिवार रात 9 बजे से पूरी रात गोलाबारी होती रही। पाक रेंजर्स की फायरिंग में कठुआ जिले के बोबिया गांव में एक परिवार के 5 लोग जख्मी हो गए हैं। जेडीयू नेता केसी त्यागी की अगुवाई में महागठबंधन के नेता आज सुबह 11:30 बजे चुनाव आयोग से मिलेंगे। महागठबंधन के नेता प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम की शिकायत करेंगे। कल अपने मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने 5 ग्राम और 10 ग्राम का अशोक चक्र वाला सोने का सिक्का जारी करने का ऐलान किया था। आय से अधिक संपत्ति के मामले में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह से पूछताछ होगी या नहीं, इस मामले में आज सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुना सकता है। सर्वोच्च अदालत इस मामले में आज सीबीआई की अर्जी पर सुनवाई करेगी। सीबीआई के मुताबिक वीरभद्र से पूछताछ के बगैर जांच अटकी हुई है। कर्नाटक के मत्स्य पालन मंत्री अभय चंद्र जैन ने अंडरवर्ल्ड डॉन रवि पुजारी से धमकी मिलने की शिकायत की है। जैन के मुताबिक पुजारी ने उनसे बजरंग दल के कार्यकर्ता प्रशांत पुजारी के हत्यारोपी से दूर रहने को कहा है। गौरतलब है कि पुजारी के मर्डर के एक आरोपी के साथ कर्नाटक के मंत्री की तस्वीर सामने आई थी। मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने साफ कर दिया है कि नॉन नेट फेलोशिप बंद नहीं होगी। अपने घर पर डीयू और जेएनयू के छात्र संघ प्रतिनिधियों समेत 8 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के बाद स्मृति ईरानी ने यह ऐलान किया। आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान ने सिखों द्वारा खुद को खदेड़े जाने की खबरों को अफवाह करार दिया है। गौरतलब है कि फरीदकोट जिले के कोटकपुरा के पास बहिवल में पुलिस फायरिंग में मारे गए 2 युवकों का गांव बरगाड़ी में भोग कार्यक्रम था। वहीं भगवंत मान भी पहुंचे थे। लोगों का आरोप है कि भगवंत मान शराब पीकर आए थे। जैसे ही इस पर शोर शराबा शुरू हुआ, मान हाथ जोड़कर निकल लिए। हालांकि भगवंत मान इसे राजनीतिक साजिश कह रहे हैं और बाकायदा उन्होंने अपने फेसबुक पेज पर पंजाबी में सफाई भी दी है। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी यानी SGPC ने निलंबित किए गए पंज प्यारों को बहाल कर दिया है। 5 तख्तों के जत्थेदारों को तलब करने की वजह से पंज प्यारों को निलंबित किया गया था। इस वजह से शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति आलोचना का शिकार हो रही थी।
मुजफ्फरनगर में धमाके की एक बड़ी साजिश का भंडाफोड़ हुआ है। पुरकाजी थाना पुलिस ने एक तहखाने में रखे तिजोरी से सैकड़ों तिल्ली बम बरामद कर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गुड़गांव में 40 साल की एक महिला ने आरोप लगाया है कि डिप्टी मेयर परमिंदर कटारिया ने शादी का झांसा देकर उसके साथ पिछले कई महीनों से रेप की वारदात को अंजाम दिया है। महिला ने विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया है। पुलिस ने डिप्टी मेयर के खिलाफ रेप और जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दिल्ली के पास गाजियाबाद के मोदी नगर में MBBS के दाखिले के नाम पर ठगी करने वाले दो शातिर ठगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये ठग देश के अलग अलग शहरों में MBBS में दाखिले का झांसा देकर लाखों का चूना लगाकर फरार हो जाते थे। देहरादून पुलिस ने रेलवे में नौकरी का झांसा देकर बेरोजगारों को ठगने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस सिलसिले में दो शातिरों को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक इस गिरोह ने देहरादून में एक रिटायर्ड रेलवे कर्मचारी के परिवार में 9 लोगों को रेलवे में नौकरी देने के नाम पर 42 लाख रुपए ठग लिए। पुलिस को शक है कि इसमें रेलवे के अफसरों की भी मिलीभगत हो सकती है। शाहरुख खान की आने वाली फिल्म दिलवाले का फिल्म प्रेमियों को बेसब्री से इंतजार है और अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं फिल्म के क्लाइमेक्स की शूटिंग। रोहित शेट्टी की इस फिल्म के क्लाइमेक्स सीन में शाहरुख खान के अलावा काजोल, वरुण धवन, कृति शेनन, बोमन ईरानी और संजय मिश्रा समेत कई सितारे शामिल हुए। हैदराबाद में दिलवाले के क्लाइमेक्स शूट के वक्त शाहरुख और काजोल ने अपनी सुपरहिट फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के लम्हों को भी जिया। दोनों ने राज और सिमरन के पोज में तस्वीरें खिंचवाई। हाल ही में DDLJ ने अपनी कामयाबी के 20 साल पूरे किए हैं। टीम इंडिया के वनडे कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की जीवनी पर बन रही फिल्म की कल पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में शूटिंग हुई। फिल्म में सुशांत सिंह राजपूत धोनी का किरदार निभा रहे हैं। गौरतलब है कि धोनी ने कुछ दिनों तक रेलवे में TTE की नौकरी की थी। अभिनेत्री प्रीति झिंटा ने कल हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा घाटी स्थित बीड़ बिलिंग में पैराग्लाइडिंग का मजा लिया। प्रीति AAI पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप के सिलसिले में यहां पहुंची थी। खराब मौसम की वजह से वर्ल्ड कप का पहला टास्क रद्द करना पड़ा।